तो नमस्कार। तो आज हमको लेके आए हैं मोर मुकुट मिष्ठान भंडार। यहाँ की सर्दियों का मौसम है और बेड़ई और कचौड़ी यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। और ये धौलपुर पे बहुत ही फेमस दुकान है धौलपुर की। यहाँ की ये मोर मुकुट मिष्ठान भंडार इस दुकान का नाम है। आइए आपको टेस्ट कराते हैं यहाँ की कचौड़ियाँ, समोसे और काफ़ी कुछ है, और बात कराते हैं, बताते हैं। चलिए आइए। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब का? अशोक कुमार। तो आपकी शॉप है ये भाई साहब जी? तो कितनी साल पुरानी दुकान वो होगी आपकी मोर मुकुट मिष्ठान भंडार? हमारी को करीबन 12 साल हो गए। 12 साल हो गई। तो आपका टाइमिंग क्या है? टाइम हमारा सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हमारा चलता है शॉप। रात के 9 बजे तक चलता है। तो आपका फेमस क्या है, मतलब सुबह नाश्ते में? नाश्ते में हमारी फेमस बड़ई है, उसके बाद में हमारे समोसे चलते हैं। 11 बजे तक आपको बड़ई मिलेगी, उसके बाद में समोसे मिलेंगे, प्याज कचौरी है, दाल कचौरी है। दाल कचौरी जी। और हमारी गर्मियों में स्पेशल लस्सी का काम है। लस्सी का काम, हाँ जी। और प्याज कचौरी की रेट क्या है आपकी? प्याज कचौरी की हमारी 15 रुपये रखी है। 15 रुपये जी। और मिठाई कौन सी फेमस है आपकी? हमारे यहाँ पे वैसे तो सभी हमारे प्रोजेक्ट हैं वो देसी घी में बनाए जाते हैं। यहाँ पे जितनी भी है हमारे धौलपुर जिले में सबसे फेमस है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप लेना चाहो। और इसमें अमृत पेड़ा है, और आपके काजू, काजू की सोन पपड़ी है, और फ्रूट का समोसा, ये हमारे स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे। स्पेशलिस्ट हैं। और अभी इस टाइम पे गाजर का हलवा भी चल रहा है आपके यहाँ? बिल्कुल, ये मौसम की चीज़ें हैं। मौसम की चीज़ जी। टाइम पे हमारी 12 बजे के बाद में समोसा चलता है, प्याज कचौरी चलती है, दाल कचौरी चलती है। दाल कचौरी आपको शाम को 5-6 बजे तक मिलेगा। उसके बाद में हमारा चाट का काम है, चाट में डोसा है, पाव भाजी है, और जो भी आप लेना चाहो। उसके बाद में हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट में ढोकला भी है, ये हमारे पास में है। तो अभी हमको क्या टेस्ट करा रहे हो आप? आप जो भी करना चाहो, आपको अभी हम समोसा कराएंगे, आप हमारी दुकान का समोसा खाओ। और आपको 7 बजे से हमारे यहाँ पे पनीर का चीला मिलेगा, डोसा मिलेगा, चाउमीन है, ये हमारे पास में चाट का मटेरियल है। प्योर देसी घी बनाते हो आप? बिल्कुल प्योर देसी घी में, हमारे यहाँ पे शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई है। वो एड्रेस क्या है भैया आपकी शॉप का? मोर मुकुट मिष्ठान भंडार, न्यू कलेक्ट्रेट के सामने, धौलपुर। धौलपुर राजस्थान? धौलपुर राजस्थान। ठीक है भाई साहब, चलिए आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा टेस्ट है। काफ़ी बढ़िया टेस्ट है। और देसी घी से भैया जैसे भैया ने बताया था, जैसे देसी घी में बनाया है, बिल्कुल देसी घी में बनाया है, बिल्कुल देसी घी की खुशबू आ रही है, और अच्छी तरीके से तला हुआ है। एक भैया खड़े हैं, उनसे पूछते हैं। भैया कचौड़ी खा रहे हैं, कैसा टेस्ट लग रहा है भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कब से आ रहे हो आप कचौड़ी खाने यहाँ से? 6 महीने हो गए। 6 महीने से? 6 महीने से तो काफ़ी टाइम हो गया आपको। पढ़े आते हो? ये 2-3 दिन छोड़, पढ़े का दिन छोड़ के आते ही हूँ लगभग। कि इनके समोसे देसी घी से निर्मित है, तो बाकी जो इनके समोसे देसी घी से निर्मित है, उनमें आलू के साथ साथ पनीर की, मटर की काफ़ी सारी स्टफिंग थी और काफ़ी टेस्टी था। और ये बता रहे थे भैया अपनी फेमस मिठाई के बारे में, मिठाई के बारे में आपको बताते हैं कौन सी फेमस मिठाई है और आपको टेस्ट करके बताते हैं। आइए जल्दी मिलते हैं। ये काजू की सोन पपड़ी है जैसे भैया बता रहे हैं। काजू से बनी है जी? ओनली काजू से। अच्छा अच्छा। और ये कौन सी मिठाई है? और जैसे कि भैया ने बताया काजू की सोन पपड़ी है, आपको बता दें टेस्ट करके कैसा टेस्ट है इसका। और जैसे कि सोन पपड़ी होती है जो बेसन वाली, उसकी लेयर निकलती है, उसी तरह इसकी भी लेयर निकल रही है, उसकी तरह इसकी लेयर भी निकल रही है। देखिए आपको टेस्ट करके बता दें, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। सोन पपड़ी से डिफरेंट है, काजू का टेस्ट आ रहा है और देसी घी से बाकी में बनी हुई है, बिल्कुल देसी घी का टेक्सचर आ रहा है। और ये आप इसकी लेयर आप कितनी पतली निकाल सकते हैं देखिए। तो
आपका कभी धौलपुर चक्कर लगे तो एक बार मोर मुकुट मिष्ठान भंडार पर जरूर आएँ। ये जस्ट कलेक्ट्री ऑफिस के सामने है और ये देसी घी में पूरा इनका प्रोडक्ट है, पूरा इनका देसी घी में माल बना हुआ है। समोसा, बड़ी, कचौड़ी सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक इनका ये चालू रहता है। एक बार आएँ और ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।